आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम है P3Y क्लास। उसमें आपको दी जाएगी सूचना P3Y की, जिनके प्रयोग से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी और आपकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर रजीत, डिग्री में MBBS, MA सर्जन, DGO गायनी। 1978 से डॉक्टर रजीत P3Y का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर की हजारों इच्छाएं पूर्ण की, हजारों लोगों ने P3Y का प्रयोग किया, लाखों लोगों की करोड़ों इच्छाएं परम जी ने पूर्ण की। अतः सत्य है, परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो आज का जो कार्यक्रम, यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं, उसका लाभ ये है कि P3Y आप ठीक से सीख लोगे, करोगे, तो आपका पिछला महीना जो बीता उससे यह महीना अच्छा बीतेगा, आपके दैनिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगी, इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। और यह वीडियो आप अन्य को दिखाओगे तो ये P3Y प्रचार होगा और आप पर परम जी प्रसन्न होंगे, आपको खूब शक्ति देंगे, आपकी अधिक इच्छाएं परम जी पूर्ण करेंगे। P3Y करने के लिए बुद्धिमान बनना होगा, लेकिन P3Y टीचर, P3Y गुरु आपको जो सिखा रहे हैं वो अच्छी तरह से सुन लीजिए, लिख लीजिए, मस्तिष्क में उतार दीजिए, फिर मेहनत बनना है। जो भी सिखा गया वो सभी आपको अपने दैनिक जीवन में करना है। जो बुद्धिमान होगा और मेहनत होगा उसकी बड़ी इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाएगी। और हम सब यह वीडियो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसका लक्ष्य, एम यह है कि P3Y से सुखी बनना है और हमें P3Y से सुख मिलने के बाद, इच्छा पूर्ण के बाद, शक्ति का अनुभव होने के बाद यह विद्या अन्यों को सिखाना है, P3Y प्रचार करना है और अधिक सुखी बनना है। तो ये जो बटन लगा हुआ है P3Y से काम बने पूछो मने, तो P3Y से 100% काम बनता है। आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति जो टेंशन में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, बड़ी इच्छा पूर्ण करना हो, उसको पूछो काम बनाना है, कहे हाँ तो उसको यह वीडियो दिखा दीजिएगा, उसको पप्र करा दीजिएगा, वो शक्ति खींचेगा, उसका काम अवश्य बनेगा। मगर शक्ति व्यक्ति को खुद खींचना पड़ेगा। दूसरा ये भी सत्य याद रखना, जो काम अन्य जगह बनते हैं सभी काम P3Y में बनते हैं, जो काम अन्य जगह नहीं बनते हैं वो काम भी यहाँ पर बनते हैं, और जो काम यहाँ नहीं बनते हैं वो कहीं नहीं बनते हैं, वो आपका अनुभव आपको ये कहेगा। तो यहाँ काम बनाने के लिए पप्र 11 वाक्य बोलना पड़ता है, तो उसमें 10वें और 11वें वाक्य में पकड़, रुपीस एंड प्रचार बोलना पड़ता है, प्रॉमिस करना पड़ता है। मैक्सिमम प्रॉमिस किया, मैक्सिमम प्रचार किया, फिर भी काम नहीं बना तो वो काम कहीं पर नहीं बनेगा। दूसरा सत्य यह है कि P3Y में पप्र करने से इच्छा पूरी होती है, परम योग करने से शांति मिलती है। तो यहाँ जो काम अन्य जगह होता है सभी काम यहाँ पर होता है, और जो काम अन्य जगह होता है वही काम यहाँ पर पप्र में कम समय में, कम खर्च में और कम मेहनत में बनता है। आपका अनुभव आपको स्वयं प्रमाण होगा, तो बुद्धिमान को यह विद्या अवश्य अनुकूल पड़ेगी। और यह भी सत्य याद रखिएगा, इच्छा पूर्ति के लिए पप्र में कोई कष्ट नहीं, सिर्फ 11 के बोलना है, कोई नष्ट नहीं, परम जी को दूध इतने चढ़ाना नहीं और ठगैती है ही नहीं। यहाँ पैसा या 1 लीटर वाटर या फूल चढ़ाना है परम जी को काम बनने के बाद, ठगैती है ही नहीं। और ये जो सीख रहे हैं आप फ्री में ही सीख रहे हैं, तो कोई फीस नहीं है। तो अतः
इच्छा पूर्ति के लिए पप्र में कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है, ठगैती नहीं है। पी थ्री वाय इसका अर्थ है परम जी, पप्र, परम योग। तीन पी, पी थ्री वाय योग। फर्स्ट पी परम जी, तो ये परम जी है, जबरदस्त पावर है उसमें। आपके मस्तिष्क में, सिर्फ अकेले आपके नहीं, आपके पूरे समाज के, पूरे देश के, सभी देशों के व्यक्तियों को मस्तिष्क में जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छा पूरी करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति जहाँ से मिलेगी वो पावर हाउस है परम जी। कोई संत नहीं, गुरु नहीं, भगवान नहीं, उनके पावर से सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, आर्थिक, पारिवारिक, विद्यार्थी विषयक, रोग निवारण, संकट निवारण, तंत्र मंत्र भूत प्रेत निवारण, आध्यात्मिक, सभी काम बनेंगे, सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, मगर गलत इच्छा पूरी नहीं करेंगे, गलत इच्छा पूरी नहीं होगी। और पी3वाय एक विद्या है, अपने धर्म को मानते रहो, अपने भगवान को, गुरु को मानते रहो, लेकिन काम बनाने के लिए पप्र बोलोगे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो परम जी हरेक का काम बनाएंगे, मगर आलसी का काम नहीं बनाएंगे। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। आलसी का मतलब मैं जो सिखाऊं, पृथ्वी गुरु जो सिखाए वो करे ही नहीं। तो यह वीडियो, यह प्रवचन ठीक से सुन लेना, लिख लेना, मस्जिद उतार लेना और अपने जीवन में प्रयोग करना, वही मेहनत है। तो मेहनत का अर्थ रोजाना 8 घंटा, 10 घंटा या अधिक अपनी जो भी ड्यूटी है वो निभाइए, कीजिए। परम जी कहते हैं डिस्चार्ज योर ड्यूटी मोस्ट एफिशिएंटली, और अपने देश के प्रति देशभक्ति रखिए। दूसरी मेहनत, अच्छे व्यक्ति बनिए, किसी की निंदा नहीं, बुराई नहीं, अन्याय नहीं, इतने अच्छे व्यक्ति बनिए रास्ते में पड़ी हुई चीज़ अपनी न हो, नहीं उठाना है। मानवतावादी बनिए, अनेक दुख में भाग भरिए, भाग लीजिए, उसका कष्ट कम कीजिए, उसको पप्र सिखाइए, परम योग सिखाइए। हिम्मत रखना है, जीवन है कष्ट तो आएगा ही, हिम्मत मर्दा मदद परम जी। और दास बन के रहना, नम्र रह के रहना, अभिमान मत करना, परम जी का दास कभी न रहे उदास। और शरीर में कष्ट तो आएगा ही, जीवन में तकलीफें तो आएगी ही, हंसते रहना, आँख में चाहे आंसू हो, मुख पर हंसी, उसका दुख दूर हो जाएगा पी3वाय से खसी। तो हंसते रहना है, रोजाना खूब हंसो, चाहे दिल में कष्ट हो, खकार रसो ऐसे जोर से 4 बार या उससे अधिक बार हंसो। नए व्यक्ति को मिलो तो प्यार से उसको स्मित दो, घर से बाहर निकलो हंसते हंसते बाहर निकलो, घर में एंटर हो रहे हो, ऑफिस में आ रहे हो, हंसते हंसते लोगों से बात करो, तो हंसते रहो। तो हमेशा हंसते रहना है, तो ये परम जी है पावर हाउस से मुझे शक्ति खींची, जो शक्तिमान होता है वो आनंद में रहता है। दूसरा भी यानी कि पप्र, ये 11 वाक्य, इच्छा आपकी शक्ति परम जी की, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए परम जी के शक्ति खींचने के 11 वाक्य, उसका नाम है पप्र, PAPR। कोई धर्म नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ 11 वाक्य है, लेकिन ये मेहनत के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इच्छा पूर्ण होती है इसका अर्थ ये है कि नसीब में जो समय लिखा है, जो कष्ट लिखा है वो आधा हो जाएगा, काम बनने बनना होगा 2 साल में वो बन जाएगा 1 साल में, जो सुख लिखा है, जो इनकम लिखी है वो हो जाएगी 1.5 गुनी, 10 गुनी नहीं होगी। तो काम बनाना है, 11 वाक्य बोलना है, पहले बोलना है 1 to 8 sentence, पप्रवा 1 to 8 मैं बोलूँगा। 8वां वाक्य है इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, वो वाक्य 9वां वाक्य है। 8वां वाक्य है सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, तो सिर झुकाना है ऐसे, मिडल फिंगर शुड टच द फोरहेड। और 9वें वाक्य में मैं बोला उसमें अपनी सारी इच्छाएं मांग लेना है, और एक पप्र में एक इच्छा मांग सकती हो,
तो एक इच्छा मांग लेना है, कोई भी इच्छा, बड़ी छोटी मध्यम। हम मेहनती हैं, मुफ्त में लेंगे नहीं। अपना काम बन गया, दसवां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपये, डॉलर, पाउंड, यूरो, जो भी आपकी करेंसी हो, देश की करेंसी, वो करेंसी में परम जी को चुकाना है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपीस परम जी को दूंगा। ग्यारहवां प्रचार, सिर्फ पैसे से काम नहीं बनेगा, मुख्य चीज है प्रचार। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से यह पित्री भाई सिखाऊंगा। तो ये हो गया पप्र। एक से आठ वाक्य है, ये इस प्रकार है, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एक कोड है, डिट्टो वैसे ही बोलना है, चाहे भारत में बोल रहे हो, जापान में बोल रहे हो, रशिया में बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हो, अफ्रीका में बोल रहे हो, यूके में बोल रहे हो, यूएसए में बोल रहे हो, या अरब ईरान में बोल रहे हो, वो आपके डिट्टो यही रहेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है। यह पी3 वाई से कॉन्टेक्ट करने का कोड है। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ, करता हूँ। सिर झुकाएं इसी तरह, सेकंड के लिए ही, दिखावा नहीं, जो करो अंदर से करो। नौ में अपनी कोई भी एक इच्छा मांग लो, परम जी मेरा ये काम बना दीजिए। दसवां वाक्य भुगतान, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपीस परम जी को दूंगा। ग्यारह प्रचार, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में नए व्यक्तियों को, संयुक्त संख्या बोल दीजिए, किसी भी माध्यम से यह पृथ्वी भाई सिखाऊंगा। डॉक्टर अजीत का या किसी भी पृथ्वी भाई गुरु का संपर्क करने के लिए कहूंगा, पृथ्वी भाई क्लास का आयोजन करूंगा, यह वीडियो कई लोगों को दिखाऊंगा। बस यह हुआ प्रचार। तो मैंने आपको पत्र सिखा दिया, यहाँ लिखा हुई है, आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण करने के लिए यह पत्र कीजिए, काम बन जाएगा। तो आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, ब्रेन में जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छा पूर्ति करने के लिए, हर एक इच्छा के लिए पत्र बोलिए, आपका काम अवश्य बनेगा। और छोटी इच्छा हो तो पकड़ में वन रुपी या वन डॉलर या वन पाउंड परम जी को दूंगा। प्रचार में एक व्यक्ति में पी3 भाई सिखाऊंगा, और बड़ी चौथा उससे अधिक जैसा आप समर्थ हैं। और कोई व्यक्ति अति गरीब है या अति कंजूस है, पैसे देना नहीं चाहता है, उसके लिए भी परम जी हैं, परम जी कृपा निधान है। तो पैसा नहीं बोले, ऐसा बोले, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 लीटर वाटर परम जी को चढ़ाऊंगा, या 1 फ्लावर परम जी को चढ़ाऊंगा। उसको प्रचार ज़्यादा बोलना पड़ेगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 या अधिक व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी प्रचार करूंगा। तो यह पत्र अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, कि सभी के लिए, मगर आलसी के लिए नहीं। आलसी वही है, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे कष्ट देना ना पड़े, मेरा काम बन जाए। तो काम आपका अवश्य बनेगा। मैं, मेरा आशीर्वाद है परम का स्मरण करके, आप जो भी पत्र करो, आपकी इच्छा परम जी जल्दी पूर्ण करें। अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती हो तो मेरा फ़ोन नंबर है ही, कॉन्टेक्ट कीजिए, फोन से मैं आपको अधिक मार्गदर्शन दूंगा। यह वीडियो शॉर्ट वीडियो है, कम समय के लिए, इसमें शॉर्ट माहिती। इच्छा जल्दी पूर्ण करना है तो आपको सभी पत्र लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे काम जल्दी बनेगा, आप मेहनती हैं, तो पप्र का हिसाब रखना पड़ेगा। तो ये है पप्र हिसाब फॉर्म। तो अपना नाम पता लिखना, नंबर, दिनांक, कौन सी इच्छा मांगी, पकड़ रुपये, प्रचार क्या बोले, और परिणाम क्या है। तो परिणाम तो अब लिखना है, आपने मैक्सिमम पकड़ बोला, पैसा या प्रचार, मैक्सिमम इंतजार किया, कई बार डॉक्टर को फोन किए, काम नहीं बन रहा हो, कई बार काम नहीं बना, और पैसा नहीं देना है, ठगई किसमें है ही नहीं। काम बन गया, पकड़ रुपये लिख के भेजने के लिए काम बनाया है परम जी ने, पैसा देना है परम जी को। एक डिब्बा बना दीजिए, खोल बंद सको ऐसा, काम बन गया, पैसे उसमें डाल दीजिए, वो पैसा अपने अलमारी में रखिए।
तो वो पैसा खर्च होगा परम जी के प्रचार के लिए, निजी खर्च के लिए नहीं, किसी के स्वार्थ के लिए नहीं। यह पैसा परम जी का है, वो पैसा परम जी को पास में ही पहुंचना चाहिए, परम जी के काम में ही खर्च होना चाहिए। अधिक जानकारी हेतु डॉक्टर अजीत, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये वीडियो के आरंभ में और अंत में है ही, वो पढ़ लीजिएगा व कॉन्टेक्ट कीजिएगा। रोग निवृत्ति के लिए कोई भी तकलीफ हो उसके लिए पत्र कर दीजिए, आपका रोग कम हो जाएगा। दूसरा, मुझे फोन कीजिए, मैं आपको पत्र पानी बना के दूंगा, पत्र पानी उसकी भेंट रखनी पड़ेगी, वो पानी पीजिए तो उसका रोग आपको राहत मिलेगी, कष्ट कम होगा। उसके लिए लाल स्टिकर आते हैं या प्रतीक फोटो आता है या प्रतीक सिक्का आता है, तो लाल स्टिकर जो है, हाँ, तो लाल स्टिकर का पानी जिसमें रोग निवारण शक्ति है वो स्टिकर का पानी बना के पीजिए तो उसमें आपको राहत मिलेगी। तो परम जी ने कहा है कहीं पर, आई एम द एब्सोल्यूट हीलर, तो इसमें रोग निवारण शक्ति है। एक ग्लास पानी लीजिए, जितना मरीज पी सके, व्यक्ति पी सके, आधा ग्लास, एक चम्मच इत्यादि, और इसकर बाहर से लगाइए। याद कीजिए परम जी को, परम जी नमस्कार करता हूँ, इस पानी में अपनी शक्ति दीजिए और ये व्यक्ति का कष्ट कम करें, पानी इसको पिला दीजिए। और ये जो पानी बना पपर पानी या शिकर पानी, उसकी भेंट जो भी आपको रखना है वो रख दीजिए प्रकट डिब्बे में, तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। लाभ हुआ सूचना दीजिए, नहीं हुआ तो भी सूचना दीजिए। और बड़ी इच्छा हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, अवश्य मैं आपको फ़ोन से गाइड कर दूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, पृथ्वी से मुझे लाभ हुआ तो इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति मेहनती हैं और जिसको आगे बढ़ना है और जिसको शक्ति की तलाश है, उनको यह पृथ्वी शक्ति की सूचना मिलनी चाहिए, वो करे ना करे उसकी बात। अब पी3वाई में तीसरा पी है परम योग, उसका उसमें कई चीज आते हैं, परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान, परम मंत्र जप, परम का स्मरण, परमणि का पाठ, ये कई चीजें हैं। मगर मैं आपको अभी फोन पर वीडियो पर यह सिर्फ परम श्वास और परम नाद बताऊंगा। तो परम श्वास है, उसका लाभ ये, मन की शांति मिलती है, गुस्सा कम आता है, घर में कलह कम होता है, बुद्धि विकास होता है, और साइकोसोमेटिक इलनेसेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मायोकार्डिक इस्कीमिया, माइग्रेन एट्सेट्रा, और जो मानसिक रोग हैं, एंजाइटी, टेंशन, फोबिया, मेनिया, उसमें राहत मिलती है। बच्चे लोग करेंगे, याददाश्त बढ़ेगी, पढ़ाई मन लगेगा। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, होठ खुला, दांत सटा हुआ, सांस भरना है मुंह से, लंबी सांस, उतनी हवा भरो अधिक भर ना सको, फेफड़ा भर गया, होठ बंद, दांत अलग, नाक से पूरी हवा निकाल देना है। मेरे सामने देखिए और सीख लीजिए। आँख खुली भी रख सकते हो, बंद भी रख सकते हो, मगर मन लगाना है परम जी के ऊपर। यह एक परम श्वास हुआ, और यह परम श्वास करने से पहले शक्ति परम जी की है, उनको याद करना पड़ेगा, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, आज मेरा मन शांत रहे, और 10 परम श्वास कीजिए, मन शांत रहेगा। शांति के लिए 10 श्वास सुबह में, 10 श्वास शाम में, दिन के समय में कभी मन पर टेंशन आ जाए, कोई गुस्सा कर रहा हो तो सामने ही खुली आँख से 10 परम श्वास ले लीजिए और मन शांत हो जाए, अधिक भी कर सकते हो। और भी जानकारी चाहिए तो फोन से या मेल से मेरा कॉन्टेक्ट कीजिए। अब आगे है परम नाद, तो उसका लाभ ये, तो जो व्यक्ति परम नाद सीख लेगा, रोजाना करेगा, उस पर परम जी प्रसन्न होंगे, खूब शक्ति देंगे, वह व्यक्ति में उसके भगवान के प्रति, उसके धर्म के प्रति आस्था, भक्ति, श्रद्धा बढ़ेगी, मन की शांति मिलेगी,
अच्छी नींद आएगी, जल्दी इच्छा पूर्ण होगी। तो परमनाद करना है ऐसे, बिल्कुल परम श्वास की तरह, लेकिन इसमें फर्क है, जब सांस निकालो तब गुंजन करना है जैसे भ्रमर गुंजन करता है, हमिंग नॉइज जैसे भ्रमर गुंजन करता है, ऐसे। ये एक परमनाद हुआ, तो तीन परमनाद करना है। तो शुरू में आठ वाक्य बोलने हैं, पप्रव एक से आठ, फिर मांगना है और फिर तीन नाद करना है, अंत में सारी इच्छाएं मांगना है। तो मैं करता हूं, देख लीजिएगा, वैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। पप्रवा एक से आठ, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, मुझे सद्बुद्धि दें, मेरा आध्यात्मिक विकास करें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें, चिंता रोग दूर करें। तीन परमनाद होने के बाद सिर झुकाइए और अपनी सारी इच्छाएं परम जी से मांग लीजिए, जितनी भी इच्छा हो। इच्छाएं पूर्ण करना है तो यह परम योग आपको रोजाना करना पड़ेगा। एक तो यह वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत तीन परमनाद कीजिए, अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो रोजाना परम योग करना है, सुबह उठते ही बिस्तर में तीन नाद कीजिए, सारे दिन की इच्छाएं मांग लीजिए। दूसरा, अपने वर्क पर ड्यूटी पर जाने से पहले। तीसरा, दोपहर में 12 बजे। चौथा, सायं 7 बजे। और पांचवा, रात्रि में या जब भी आप सोने से पहले। जो पांच बार परम योग करेगा उसकी सारी इच्छाएं परम जी पूर्ण करेंगे। आपको यह इच्छा जल्दी पूर्ण करना है तो रोज आपको करना पड़ेगा सफलता समृद्धि परम निवेदन। और बच्चों को पढ़ाई में होशियार बनना है तो रोज सुबह में पढ़ना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। तो उसमें सुबह में उठते ही, तो आपने ये वीडियो पर फोटो दिखाई, आपके पास फोटो है ही फोटो, या मुझे मंगवा सकते हो, नज़दीक में जो भी आपके पिछले गुरु हैं उनसे भी ये फोटो पा सकते हो। आपको हर जगह अपने पिछले गुरु से, पिछले सेंटर से, पिछले ध्यान केंद्र से परम जी की फोटोएं मिलेगी कई साइज में। तो सुबह उठते ही बिस्तर में उठे, आँख खोले, पहला दर्शन परम जी के मुँह का करिए, हजार उपास का फल मिलेगा, इतने पवित्र परम जी हैं। फिर तीन परमनाद कीजिए और अपने दिन की सारी इच्छाएं मांग लीजिए। यह हुआ सफलता समृद्धि परम निवेदन। और विद्यार्थी लोग, पढ़ाई में याददाश्त अच्छा विकास हो, बुद्धि विकास हो, ये मांग लीजिए। तो ये मांगने के बाद परम जी को देना है रोज सुबह में एक लोटा जल, स्नान से पहले या ऐसे भी एक लोटा जल लीजिए, परम जी को याद कीजिए, परम जी नमस्कार, मैं आपको पानी चढ़ा रहा हूँ, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए, और वो पानी स्नान की बाल्टी में डाल दीजिए या पेयजल हो दूसरे लोटे में डाल दीजिए। आपने परम जी को एक लोटा जल चढ़ाया,
स्नान की बाल्टी में डाला हुआ हो वो पानी से स्नान कर लीजिए, और शुद्ध पेय जल हो और दोनों पात्र साफ हो वो पानी पी लीजिए। रोजाना लोटा जल, रोजाना एक फ्लावर परम जी को ऑफर करना है, कोई भी फूल चढ़ेगा तो परम जी की फोटो आपके पास में है ही, तो फोटो के चरण में या देख लीजिए, फोटो फूल रख दीजिए, मैं आपको फूल चढ़ा रहा हूँ। और जब परम जी को फूल चढ़ाओ तो परम जी के दिव्य गुण हैं, तो वो गुण का पान कीजिए, गान कीजिए। तो परम बोलिए, परम जी आप हैं प्रकट परब्रह्म, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सबके मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, स्वसत्ताधीश, सज्जन का रक्षण करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीनदयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, रोगहर्ता, दुखहर्ता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवय के प्रणेता, इष्ट परम जी की जय। मैं आपको एक फूल चढ़ा रहा हूँ, मेरे पर प्रसन्न रहें, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। तो डेली वन फ्लावर परम जी को ऑफर करना है, अगर फ्लावर न मिले तो मानसिक पूजा भी कर सकते हो। इच्छा पूर्ण करने के लिए डेली वन यूनिट रूपी प्रत्येक डिब्बे में डालना है, और लक्ष्मी समृद्धि विद्या मांगनी है, और नियम बनाना है जो भी व्यक्ति तकलीफ में हो, टेंशन में हो, समस्या में हो, उसको कहना है पृथ्वी कर ले, काम बन जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। तो एक में प्रचार, एक लोटा पानी, एक फूल और वन यूनिट रूपी जो परम जी को ऑफर करेगा उसको मिलेगी सफलता और समृद्धि, और विद्यार्थी को मिलेगा कुशल विद्यार्थी, कुशलता मिलेगी। आपकी इच्छा पूर्ण करने हो तो आपको अर्पण किया हुआ पानी, वप्र पानी पीना पड़ेगा। तो एक बॉटल पानी ले लीजिए। मैं आपको ये वीडियो से प्रयासपान करके वो पानी मैं प्रार्थना करता हूँ परम जी को कि परम जी शक्ति रखें, उसको बनाए वप्र पानी। वो पानी पीने से रोग दूर होते हैं और इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं, शक्ति मिलती है। तो पानी की बॉटल हाथ में रखिए या सामने रखिए और हमें देखते रहिए। तो डॉक्टर अजीत यह पानी परम जी को अर्पण करते हैं। यह पानी में शक्ति आ गई परम जी की, वह बन गया वप्र पानी, पीजिए। यह वप्र पानी से आपको लाभ होगा, और यह वप्र पानी बना तो उसकी कुछ भेंट आपको रखनी पड़ेगी, जैसा वह सामर्थ्य है, जैसी आपकी इच्छा है, भावना है, उसी अनुसार उसे कुछ रुपये अपने परम जी के डिब्बे में डाल दीजिए। तो आपने सीखा परम जी, वप्र, परम योग, परम निवेदन, अर्पण विधि। जल्दी इच्छा पूर्ण करना हो तो आपको यह वीडियो अनेकों दिखाना पड़ेगा, यह वीडियो बार बार दिखाना पड़ेगा, और पृथ्वीबाई का पूरे समाज में, पूरे विश्व में लोगों को कहना पड़ेगा परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। और परम रक्षक जो है, जो मैंने आपको दिखाया, तो
और यह रक्षक अपने घर के किवाड़ पर लगाइए, मंगवा लीजिए और लोगों को दीजिए। परम जी भी हैं, उनके चरण भी हैं, उनके चरण में लक्ष्मी का आवास है। डॉक्टर अजीत का कांटेक्ट का फोन नंबर है और ये पर 11 बाकी है, तो आपके संपर्क भी लोग आए उनमें ये दीजिए। दूसरा, काम जल्दी बनाना हो तो आपको बार बार ये वीडियो क्लास बनना पड़ेगा। कई काम बन जाए तब आप इंडिया, गुजरात, सूरत में आइए, डॉक्टर अजीत से या कोई भी पृथ्वी भाई गुरु से मिलिए और पर्सनली यह विद्या सीख लीजिए। पृथ्वी भाई के गुजरात में, भारत में, विश्व में अनेक पृथ्वी गुरु हैं, सभी गुरु पूज्य हैं, सभी को नमस्कार कीजिए। और परम जी कहते हैं कि मैं किसी का नहीं हूँ, केवल सत्य का हूँ, परंतु ईर्ष्या और द्वेष पसंद नहीं है। तो किसी के प्रति ईर्ष्या मत कीजिए, इसका द्वेष मत कीजिए, इसको अन्याय मत कीजिए, सभी को मान दीजिए, सभी में गुण ही देखिए, सब में गुण है, जो भी दोष है वो अपने में ही, तो सभी को मान देना है। प्रचार करोगे लोग नहीं भी सुनेंगे, ये वीडियो आप देख रहे हैं आपको अनुकूल नहीं भी पड़ेगा, अनुकूल ना पड़े तो जिसको रुचि ना हो उसको छोड़ दो, जो सीखने के लिए आए उसको एक नमस्कार, जो सुनकर चला जाए उसको दो नमस्कार, और आए नहीं उसको तीन नमस्कार, समय बचाया। इतनी महान विद्या है, यह पृथ्वी से सुख होता है 1.5 गुना और दुख होता है आधा, और उसमें कोई कष्ट नहीं, महान विद्या है। तो जो सीखा आपने उसका बार बार रिजन करना पड़ेगा, ये पप्र बार बार बोलना पड़ेगा, परम योग जाना करना पड़ेगा, प्रचार जाना करना पड़ेगा, यह वीडियो बार बार देखकर परम जी, पप्र, परम योग ठीक से सीख लेना पड़ेगा, सब लिख लेना पड़ेगा, रिजन करते ही रहना पड़ेगा, बार बार क्लास में आना पड़ेगा, बार बार डॉक्टर अजीत को फोन से, मेल से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, आशीष जी जो वीडियो आपके और दे रहे हैं उनसे संपर्क में रहना पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी आप होशियार बनेंगे, काबिल बनेंगे, जीवन आगे बढ़ेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए कई साहित्य है, अक्षर पर प्रश्निकर ये ले लीजिए। दूसरा है पृथ्वी कैलेंडर, तो ये कैलेंडर मिलेगा, मंगवा लीजिए, आपके यहाँ भी मिल सकता है ये कैलेंडर, हाँ नवंबर से अक्टूबर का कैलेंडर है। तो अगले पेज पर है परम जी और परम समाज के बारे में है, और दूसरा जो पेज है उसमें परम जी के दिव्य गुण लिखे हुए हैं, रोजाना पढ़ना है वो गुण का आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा लिखा है इसके नीचे नित्य पृथ्वी भाई, लोग आप पूछेंगे उसमें करना क्या है रोज में, इसमें लिखा है सुबह शाम तक क्या करना है, सब लिखा गया है। तो जो कोई व्यक्ति जो लिखा गया है वो 100% करेगा, उसकी 100% इच्छाएं परम जी पूर्ण करेंगे। और ये कैलेंडर शुरू हो रहा है नवंबर से अक्टूबर, तो ये कैलेंडर मंगवा लीजिए और अपने घर में लगाइए, सिर्फ मंगवाना नहीं है अपने पूरे समाज में दीजिए, जहाँ भी रह रहे हो वो पूरे टाउन में, पूरे सिटी में, पूरे स्टेट में दीजिए। और उसमें प्रतिदिन में वाक्य लिखे हैं, पॉजिटिव वाक्य, तो ये वाक्य पढ़ने से भी माइंड फ्रेश हो जाता है, डिप्रेशन दूर होता है। जो पृथ्वी भाई करे रोजाना परम योग करे उसको टेंशन रहे, डिप्रेशन रहे, मानसिक रोग रहे, हो ही नहीं सकता। और अन्य भी कई साहित्य हैं वो सभी मिलेगा, अपने पृथ्वी भाई गुरु से जान लीजिए। तो पृथ्वी भाई इतनी महान विद्या है कि आपको जिस दिन पृथ्वी भाई मिला, जानकारी मिली, वो दिन अपने नोट कर लीजिए, वो है आपका पृथ्वी प्राप्ति दिन। शरीर मिला हमें वो है बर्थडे, जन्मदिन, पृथ्वी मिला वो है पृथ्वी प्राप्ति दिन। अगर आप बुद्धिमान होंगे, मेहनती होंगे, तो यदि आज आपका पहला दिन है तो आज से लेकर अगले साल तक आप कई गुना आगे बढ़ जाओगे। अगर आप बुद्धिमान और मेहनती होंगे तो शक्ति आपको खींचना पड़ेगा, और परम जी से कई चमत्कार बनते हैं, परम जी बड़ी बड़ी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं, तो आपकी भी बड़ी इच्छाएं पूर्ण होगी, मैं कहता हूँ प्रयास पूर्ण करके। यदि आप अपना करोगे तो, परम करते रहोगे तो, गुरु की बात मानोगे तो, हाँ वो सब आप पर निर्भर है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। परम जी कहते हैं कुछ भी संभव है, आपको सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा,
मगर आपको मांगना पड़ेगा। जो मेरा काम करेगा वो राजा की तरह रहेगा, परम जी कहते हैं। तो मेरा काम यानी पृथ्वी वायु का फैलाओ। परम जी कहते हैं कि मेरा शिष्य होकर धनी न बने हो ही नहीं सकता। तो ये परम जी के दिव्य वचन है। तो मेहनती बनिए, बुद्धिमान बनिए, शक्ति खींचिए, आपकी खूब इच्छाएं परम जी पूर्ण करेंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो ये वीडियो के आगे और अंत में मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी लिखा ही हुआ है। तो निसंकोच संपर्क कीजिए, समय मिलने पर मैं आपको अवश्य उसकी सूचनाएँ दूंगा। तो अब इस वीडियो की पूर्णाहुति में हम करते हैं परमणि का पाठ। तो पांच वाक्य बोलेंगे, परम जो पांच वाक्य जो हैं परम रक्षक प्रश्नकर में, तो वो परम परमवाणी है। पांच वाक्य, तो ये पांच वाक्य परमवाणी है। उसका छोटा स्टिकर भी आता है परमवाणी स्टिकर, वो स्टिकर भी है परमवाणी का। तो ये पांच वाक्य परमवाणी बोलेंगे। हाँ, और जो अंतिम वाक्य पांच वाक्य तीन बार बोलेंगे। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। परम जी, यह वीडियो क्लास और उसका फल आपको अर्पण आपको प्रार्थना करता हूँ। जो भी वीडियो देखे, सुने और अमल में रखे, उसकी इच्छाएं आप जल्दी पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। चरणम शरणम गच्छामि।